मालिक साल की तीन फसलें पैदा करते हैं, खेती बाड़ी के अलावा हमें और कुछ नहीं आता। पीढ़ियों से उसी जमीन के भरोसे जी रहे हैं मालिक, उसे हमसे मत छीनिए। पीढ़ियों से तुम अकेले ही मजे ले रहे हो ना, अब हमें भी लेने दो। बता, दस्तखत करेगा या मरेगा? करूंगा मालिक, आप जहां कहेंगे कर दूंगा। जब पुलिस या कोई नेता तुम लोगों से ऑफिशियली ले तो भूमि अधिग्रहण, और मैं अनऑफिशियली छीन लूं तो राउडीज़म। कुछ भी हो, किसानों से छीनना ही पड़ता है, चाहे काम बुरा हो या अच्छा। किसान भाई आप रुकिए। भाई नमस्ते, भाई नमस्ते। एक वक्त था जब किसान के आदर में एक रुपए के सिक्के पर फसल की फोटो छपी थी। अब उसी एक रुपए के सिक्के पर अंगूठे की छाप लेकर आप कह रहे हैं कि किसानों को हम लूटेंगे, जो करना है कर लो, इसका खेत लौटा दीजिए ना भाई। कौन है रे तू? भाई मैंने बताया था ना, ये वही नौटंकीबाज है, इसी की वजह से मैं सस्पेंड हुआ। अच्छा तो तू ही है, करता क्या है तू? नट हूँ भाई, रंगमंच पर अभिनय करने वाला एक अभिनेता। ये अभिनेता क्या है रे, इधर काहे को आया है? आपके सामने डरने का नाटक कर। डरने का नाटक करेगा? हाँ। मुझे देख के डर नहीं लग रहा है। बिल्कुल नहीं लग रहा है, लगने का नाटक करूँगा। इज्जत नहीं करता ना, लेकिन इज्जत करने का नाटक करूँगा। अगर आप कहीं दिखाई दिए, सलाम अलैकुम कादर भाई, ये बोलकर सिर झुकाकर सुमड़ी में सरक जाऊंगा। माँ कसम, डर और इज्जत का नाटक नहीं चाहिए, वो अंदर से होना चाहिए। क्या काम है ये बता। एकदम छोटा सा, मैं शारदा आश्रम के जरिए अनाथ बच्चों को पालकर अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन आपके आदमियों ने भूमि अधिग्रहण के नाम पर आश्रम पर ताला लगा दिया भाई। अगर वो चाबी दे देंगे, वालेकुम अस्सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम भाई कहकर यहाँ से चला जाऊंगा। दे दीजिए भाई, नहीं तो ये कोई नया नाटक शुरू कर देगा। मैं कहता हूँ दे दीजिए। बिल्कुल नहीं दूंगा। कादर जो करे वो सेटलमेंट, जो कहे वो स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेट्स मेरे रियल स्टेट है। जाके स्टेज पर नाटक कर, जा जा। भाई मैंने कल जीसस की बात नहीं मानी, आज अल्लाह मियां आपको इशारा कर रहे हैं, उनकी बात मान लो भाई। अगर नहीं मानूंगा तो क्या उखाड़ लेगा? आग जलाती है, पानी डुबाता है, हवा उड़ाती है, आसमान निगलता है और भूमि खा जाती है। यही जीवन देने वाले पंच तत्व अगर दूसरा रूप धारण कर ले तो प्रलय तांडव आता है। अभी तूने भी वही किया है। वही किया है। Yeah.
जाओ अंदर चलते हैं। हमारे सर मिनिस्टर हैं, उनकी जगह जेल जाना बड़े सम्मान की बात होती है, संभाल लेगा ना। कितनी बार पूछोगे, शिवाजी तुम्हारे सर का रूप लेकर असेंबली भी मैनेज कर सकते हैं, सोचो मत, चलते रहो। ठीक है चलो। शिवाजी, लॉयर को तुमसे मिलना है। नमस्ते। हेलो, बेल मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली? अगर बेल मिलती तो ये तुमसे मिलने आता ही क्यों? कितना मिलेगा? जितना सर कहे। 100 करोड़ कह दो। नहीं दे सकते ना, तो तुम्हारी औकात बता दो। जी 10 लाख। पूरे 25 लाख दे देना। तो ठीक है, कल मिलते हैं। शारदा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हारा अगला बर्थडे अपनी बिटिया के साथ सेलिब्रेट करेंगे। गायत्री, ये वॉलपेपर पर कौन है? मेरी माँ है। संभाल कर ले जाइए। उस पेशेंट को कुछ होना नहीं चाहिए, वरना उसके फैमिली वाले मेरी ही तरह अनाथ बन के रह जाएंगे। केस क्या है? केस के बारे में पूछा तो औरत की तरह शर्मा क्यों रहे हो? क्या करें, हरकत ही कुछ ऐसी की है। ओहो, आजकल गठबंधन के बगैर कोई पार्टी टिकती ही कहाँ है, इसीलिए दूसरी पार्टी ज्वाइन करके दारू की पार्टी दे दी। दारू थोड़ी ज्यादा हो गई, होश में नहीं था, मुर्गी समझकर मोर खा गया। क्या बेचारे हमारे सर एक मोर को क्या खा गए, ऐसी ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं जैसे जंगल के सारे मोर को खा लिया उन्होंने। लेकिन ये बात मीडिया तक पहुंची कैसे? ये तो खुद मंत्री जी का ही काम है, अपने स्मार्टफोन पर वीडियो निकाल कर कहते हैं दिलिये मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। तो पोस्ट को डिलीट कर दीजिए ना। अरे डिलीट ही करने वाले थे, वो कोई एक तेज तर्रार पत्रकार है, मैटर को सीधा मीडिया में लीक कर दिया। पॉलिटिशियंस को कॉमेडियंस बनाना ही तो मीडिया का काम है भाई साहब। ए, मेरी जगह तुम्हें जेल में जाना, छोड़ के कहां जा रहे हो भाई? मंत्री जी, मोर हजम कर लिए? कौन से विभाग के हैं? वन विभाग। वन विभाग के मंत्री हैं, और ये भी नहीं जानते कि मोर राष्ट्रीय पक्षी है? इन्होंने राष्ट्रीय गान भी एक्चुअली सिनेमा हॉल में ही सिखाया है। ओह, वन विभाग मंत्री राष्ट्रीय पक्षी को नहीं पहचानते, स्पोर्ट्स विभाग के मंत्री ओलंपिक में हमें कितने पदक मिले ये नहीं जानते, परिवहन मंत्री ये नहीं जानता कि शहर में कितनी बसें हैं। जी 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 मंत्री जी, परीक्षा में नकल करने वाले, पद के लिए रिश्वत देने वाले, पद मिलने के बाद एमएलए को खरीद कर मंत्री का ओहदा पाने के बाद वोटों की खरीदो फरोख्त करता है, भारत देश के सर्वभौम अधिकार को निभाने की जगह वो कुत्ते भौ 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 करते हैं और फिर हमारी मदद लेते हैं। अबे मंत्री बनने के लिए आम आदमी की सेवा करनी पड़ती है। शेखर, ऐसे घटिया क्लाइंट मेरे पास मत लाना। ए, इतना घमंड है तुम्हें? मुझसे ऑपोजिशन वालों ने भी कभी इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं की। सर सर सर, ये तो इसका पहला रूप है, इसके कई सारे और भी रूप हैं। अगर आपने उन्हें देख लिए तो आपका हार्ट अटैक कंफर्म है। बेहतर यही होगा कि आप इसे अभी मना लीजिए, बाद में दोष मत दीजिएगा। क्या पहला रूप दूसरा रूप लगा रखा है, चलो हटो। अरे सुनो मफलर वाले भैया, अरे छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाएंगे कैसे चलेगा? अरे पहले मेरी बात तो सुनिए। रुकिए, आपसे वादा करता हूँ, अब कभी जिंदगी में मोर नहीं खाऊंगा, मोर छोड़िए कभी मक्खी भी नहीं मारूंगा, बस इस बार मुझे बचा लीजिए। ए शिवाजी, लॉयर, उसे समझाते क्यों नहीं? जाना कब है? बिल्कुल मेरे जैसी आवाज, लेकिन शकल। हाँ खाया था, मोर खाया, हिरन खाया, जनता का पैसा भी खाया, सब खा के हजम कर लिया। विपक्ष का क्या है, वो तो आरोप लगाएगी ना योर ऑनर। जज भैया आप ही बताइए,
आपको दावत में कोई मुर्गी खिलाए तो आप मुर्गा मांगेंगे? आरोपी शंकर राव को 14 दिन का रिमांड दिया जाता है। अच्छा कोर्ट तो मैं आ गया, जेल तो वही जाएगा ना? टेलीफोन एक्सचेंज के पास आपका एक्सचेंज हो जाएगा। बात है मफलर भाई, अब तो आपको देख के मेरा डॉगी भी दुम हिलाएगा। थैंक यू।